दोस्तों, एशिया कप 2023 के एक और मुकाबले में श्रीलंका की बांग्लादेश के खिलाफ शानदार जीत के बाद पॉइंट टेबल में मचा बवाल। जहां श्रीलंका की टीम को हुआ बड़ा फायदा, तो वहीं बांग्लादेश की टीम को लगा तगड़ा झटका। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार श्रीलंका की जीत के बाद क्या कुछ हुआ पॉइंट टेबल में, सब कुछ आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले, अगर आप भी विराट कोहली और टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। और साथ में क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, एशिया कप 2023 का आगाज 30 अगस्त से हो गया है। वहीं आपको बता दें, एशिया कप 2023 का दूसरा मुकाबला गुरुवार के दिन बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम के बीच खेला गया था। जहां इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम सिर्फ 164 रन ही बना पाई और पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। जहां बांग्लादेश की टीम का कोई भी बल्लेबाज श्रीलंका के सामने नहीं टिक पाया, सिर्फ एक बल्लेबाज के। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के लिए सेंटो ने सबसे ज्यादा 90 रनों की पारी खेली, वहीं बाकी के सभी बल्लेबाज बिल्कुल फ्लॉप रहे। इसके अलावा श्रीलंका की टीम के लिए मथिसा पतिराना ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। लेकिन समर विक्रमा और श्रीलंका के 68 के बदौलत श्रीलंका की टीम ने इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। जहाँ समर विक्रमा ने 54 और श्रीलंका ने 962 रनों की पारी खेली। इस तरह से श्रीलंका की टीम ने यह मुकाबला 5 विकेट से जीत लिया। तो चलिए दोस्तों, अब एक नजर डाल लेते हैं एशिया कप 2023 के दोनों ग्रुप के पॉइंट टेबल पर। दोस्तों, अगर ग्रुप ए के पॉइंट टेबल की बात करें, तो नंबर 1 पर पाकिस्तान की टीम है, जिसने अपने एक मुकाबले में 2 अंक हासिल किए हैं और नेट रन रेट भी लगभग +5 की है। जिसके बाद नंबर 2 पर टीम इंडिया है, जिसने अभी तक कोई भी मुकाबला नहीं खेला है, जिसके वजह से उसके 0 अंक है। तो वही नंबर 3 पर नेपाल की टीम है, जिसने अपना एक मुकाबला खेला है और उसमें भी उसको हार का सामना करना पड़ा है, जिसके वजह से नेपाल के 0 अंक है। वही अगर ग्रुप बी के पॉइंट टेबल की बात करें, तो नंबर 1 पर श्रीलंका की टीम आ गई है, जिसके एक मैच में 2 अंक हो चुके हैं और नेट रन रेट भी लगभग +1 की है। वही नंबर 2 पर अफगानिस्तान की टीम है, जिसने अभी तक कोई भी मुकाबला नहीं खेला है, जिसके वजह से अफगानिस्तान की टीम के 0 अंक है। वही नंबर 3 पर श्रीलंका के खिलाफ हार के बाद बांग्लादेश की टीम आ गई है, जहां बांग्लादेश की टीम के एक मुकाबले में 0 अंक है और नेट रन रेट भी नेगेटिव में है। तो आपको क्या लगता है, इस बार एशिया कप का खिताब कौन सी टीम जीतने वाली है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।